अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं चैप्टर टू पॉलिनोमियल। मैंने जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन्हीं को भी कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि आपको एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर का मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा फास्ट स्पीड भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया पहली वीडियो में कि आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसमें मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट डिस्कस किया है। अब इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसलिए मैंने स्पेशली किया। अब इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको टू टर्म्स गिवन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो जैसा सपोज़ करो, हम ये वाला ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ पॉलिनोमियल इन टी, पी टी दिया हुआ है, दैट इज़ टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले तो हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं क्योंकि दो ही टर्म है। अगर आप इसको डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल रख दोगे तब भी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। जैसे, या फिर चलिए मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, टी स्क्वायर है ना माइनस रूट 15 स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। मैं दोनों तरह तो से करके दिखा देता हूँ। अब आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस आएगा आपके पास और एक बार आपके पास आएगा माइनस, टी माइनस रूट 15। आप इसको ज़ीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15, और अगर आप इसको ज़ीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू आएगी प्लस रूट 15। इसको आप अल्फ़ा कह सकते हैं और इसको आप बीटा कह सकते हैं। दूसरा मेथड में क्या कहता है कि अगर आप इसको डायरेक्ट ज़ीरो रख दें तो इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हमेशा ध्यान रखिए प्लस माइनस होता है, तो ये आ गया एक प्लस में और एक माइनस में। ये बस टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो अगर आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस, तो टी की वैल्यू क्या आ गई प्लस 15 एंड टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो खैर, हमारे पास अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है कि आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये आपको रिलेशन वेरीफाई करना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका पॉलिनोमियल है ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पॉलिनोमियल टी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब टी स्क्वायर, यहाँ टी वाली टर्म नहीं है, तो टी वाली टर्म को आप क्या लिखिए, ज़ीरो इंटू टी माइनस 15, ऐसे लिखिए। अब रखिए ज़रा आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा आपका माइनस रूट 15 है और बीटा आपका प्लस रूट 15 है, माइनस बी आपका 0 है और ए आपका 1 है। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज 0 और इधर भी 0, सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये प्रूव हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फ़ा कितना है माइनस रूट 15, बीटा कितना है प्लस रूट 15, सी कितना है माइनस 15 और ए कितना है दैट इज़ 1। तो रूट 15 रूट 15 15 एंड माइनस में पहले से ये, तो माइनस 15, इधर भी माइनस 15, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। दैट्स इट। तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन करना है। तो पहला हमारा पार्ट क्या था, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि आपसे कहता है पॉलिनोमियल्स फॉर्म करिए। अब वापस उसी में चलते हैं कि अगर आपके पास क्या है, ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहले 1 का सम आएगा इनटू एक्स, फिर 2 का सम आएगा, दैट्स इट, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से आता है। अब जैसा अगर आपके पास थ्री ज़ीरोज़ हैं तो थ्री ज़ीरोज़ में आपके पास क्या होगा, 1 का सम, फिर 2 का सम। आप लोग प्लीज़, ये मैं जो 1 का सम और 2 का सम कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा गामा। मीन्स सम, 1 का सम का मतलब है सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 1 एट ए टाइम। अगर हम एक एक का सम लेते हैं, अगर हम दो दो का सम लेते हैं और फिर हम तीनों का सम लेते हैं, तीनों को एक साथ लेते हैं इस तरह से, तो अब क्या होगा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, पहले माइनस आएगा, पहले 1 का सम आना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूब आ चुका तो स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आया तो प्लस आएगा, फिर 2 का सम आना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा गामा, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ चुका तो एक्स आएगा,
माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, फिर तीनों का सम आएगा फिर। तो ये होता है, तो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ वन प्लस प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे क्यूबिक में एक्स क्यूब माइनस वन का सम प्लस टू का सम माइनस थ्री का सम, माइनस प्लस माइनस, पहले वन का सम फिर टू का सम फिर थ्री का सम, इस तरह से आना। तो ये हमारे पास होता है। तो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ये हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट, आपसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4, ये क्वेश्चन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम, तो सम इज एंड प्रोडक्ट इज फाइंड पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा बीटा इज -1। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का सम उठा के रख दीजिए, 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज -1, दैट्स इट। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लीजिए, 4x² माइनस एक्स माइनस फोर। देखिए ये जो वन अपॉन में होता है इसको हम कांस्टेंट होता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस फोर इज द आंसर। चलिए एक और ले लेते हैं क्यूबिक का। हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ वन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो वन का सम, टू का सम और थ्री का सम, 2 - 7 - 14 दिया हुआ है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। तो वन का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज टू, टू का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज -7 एंड थ्री का सम मींस अल्फा बीटा गामा इज -14, ये हमें दिया हुआ। आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल बता दो, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर आएगा, आफ्टर क्यूब इज स्क्वायर माइनस देन प्लस, टू का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स आएगा, माइनस प्लस देन माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास आएगा। आप वैल्यूज रख दीजिए बेटे, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 14, अगर आपकी वैल्यू माइनस में है तो उसे ब्रैकेट यूज करिए। सो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये आपके पास है। तो आपके पास ये टाइप टू क्वेश्चंस हो गए, दो तरह के क्वेश्चन। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो जीरोस फाइंड करिए, रिलेशन वेरीफाई करिए, और अगर आपके पास सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो आप पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है आपके चैप्टर टू में, वो है एग्जाम्पल 9, और ये एग्जाम्पल 9, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, यही एग्जाम में आया था 2018 में इनमें से। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये अभी भी इम्पोर्टेंट इस साल के लिए भी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो जो हमारी पॉलिनोमियल की बना रहा हूँ उसमें आएगा। थैंक यू सो मच।